लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब वो मेडल दिया जा रहा है जिस मेडल को अपने सीने पर लगाने की तमन्ना हर पुलिस ऑफिसर के दिल में होती है। ये मेडल उस ऑफिसर को दिया जाता है जो अपनी जान पर खेलकर ना सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाता है बल्कि कानून की अजमत और उसकी शान भी बढ़ाता है। आज ये मेडल दिया जाएगा जाने माने नेता श्री अर्जुन श्रीवास्तव के हाथों से, और लेने वाला बहादुर ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मेडल मेरी जगह मेरी मां को दिया जाए ताकि दुनिया की हर मां अपने औलाद में अपने पति के संस्कार पा सके। मुबारक हो शंकर, मिनिस्टर साहब की जान बचाने की वजह से तुम्हारी बाकी की 3 साल की सजा मुआफ कर दी गई है। शुक्रिया जेलर साहब। जेल में रहकर जो तुमने मेहनत की है ये वो कमाई है। क्या सोच रहे हो? जेलर साहब, मेरी मां हमेशा कहती थी कि मेहनत की कमाई खाना, अगर मैं अपनी मां के दिखाए हुए रास्ते पर चलता तो ना मुझे ये सजा मिलती और ना ही ये जेल का मुंह देखना पड़ता। मुझे यकीन है कि आप तुम एक अच्छे और नेक इंसान की जिंदगी बसर करोगे। साहब, मैंने अपने स्वर्गवासी मां की कसम खाई है कि अब मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। जुर्म करना तुम्हारा पेशा है शाका। पेशा था इंस्पेक्टर, गुनाहों का बोझ सर पर लेकर शाका इस जेल में आया जरूर था, लेकिन यहां से जाएगा शंकर, वो शंकर जो जिएगा तो शराफत से, मरेगा तो शराफत से। तुम्हारी शराफत पर मेरी पूरी तरह नजर रहेगी और मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें इस जेल की 4 दीवारों के पीछे डाल दूंगा। कुत्ते की दुम नली में डालकर सीधी हो सकती है, लेकिन तुम जैसे लोग जुर्म की दलदल से कभी नहीं निकल सकते। जुर्म के उस दलदल से तो मैं उसी दिन निकल गया था इंस्पेक्टर, जब मैंने खुद को गिरफ्तार करवाया था। सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वालों की दुनिया इज्जत करती है, उन्हें सलाम करती है। अब तो यही साबित करना है। बेवकूफ, नीम के पेड़ पर आम उगाने की बात करता है। हेलो शाका, तुम्हें लेने आया हूं। सोचा था जेल से निकल के बिना किसी से मिले कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन लगता है एक बार राजा बाबू से मुलाकात करनी ही पड़ेगी। शाका, मेरे शेर, मेरे बेटे, वेलकम वेलकम माय सन। हम अपने बहादुर बेटे का स्वागत करते हैं। आज 2 साल के बाद इस घर में पहली बार खुशी आई है। इस खुशी के मौके पर हमारी तरफ से खुशी का पहला नजराना। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है राजा बाबू। बोला तो बोला क्या, इसकी जरूरत नहीं है? यह सिर्फ निशा के हाथों से पियोगे? भाई हमें अफसोस है वो इस वक्त यहाँ नहीं है। दरअसल जब तुमने उसे जेल में मिलने से इनकार कर दिया तो वो मायूस सी हो गई और कहने लगी कि शाका के बिना ये सारा शहर शमशान सा लगता है। मैं इस शहर में उसी दिन कदम रखूंगी जब मेरा शाका छूटेगा। वो तो यही समझती होगी कि तुम्हारी सजा में अभी 3 साल और बाकी है, इसीलिए जाने से पहले बताकर भी नहीं गई कि कहां जा रही, वरना हम अपने बेटे की खुशी के लिए खुद जाकर उसकी महबूबा को लेकर आते। शंकर अपनी पिछली जिंदगी की हर चीज से रिश्ता तोड़ने आया है राजा बाबू। क्या लगता है तुम काफी थक गए हो, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम करो। 2 साल की सजा ने मेरी सारी थकान दूर कर दी है राजा बाबू।
मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मैं आपकी बनाई हुई गुनाहों की दुनिया से निकलकर एक ईमानदार मेहनती और शरीफ आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूं। देखो शाका, हम मजाक में भी ये बात सुनना पसंद नहीं करते। मजाक नहीं, सच्चाई है, हकीकत है, जिस पे अमल करने के लिए मैंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। सजा भुगती। ये तुम्हें क्या हो गया है? लोग तो जेल जाकर और भी खतरनाक हो जाते, तुमने ये उल्टी किताब कहां से पढ़ ली है? शराफत की इस किताब का सबक मेरे खून में था, तकदीर और आपकी तालीम ने इस सबक को भुला दिया, जो मेरी स्वर्गवासी माँ के आशीर्वाद और जेल की तन्हाइयों ने मुझे याद दिला दिया। बच्चों जैसी बातें मत करो शाका, शराफत और ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये दुनिया सिर्फ उन्हें देती है जिनके पास दौलत होती है। दौलत जिसने तुम्हारे बचपन को अपनी उंगली का सहारा देकर जवानी की सीढ़ी पर चढ़ाया है। तुम राख में दबी हुई चिंगारी थे, मैंने अपने तजर्बे की हवा देकर तुम्हें आग का गोला बनाया। काश आपने इस आग के गोले को जुर्म की दुनिया के बजाय शराफत की दुनिया का एक सूरज बनाया होता। शराफत, इज्जत, ईमानदारी सब बकवास है, ये सपनों की बातें हैं ये, जिन्हें सिर्फ बेवकूफ देखते हैं। जिस खुशहाल जिंदगी का सपना मेरी आंखें देख रही हैं, वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी आंखों पर लालच और हवस का चश्मा चढ़ा है। दुनिया की आंखें जिन्होंने तुम्हें चोर के रूप में देखा है, सजा भुगत कर जेल से आने वाला चोर, लोगों की बातें, लोगों की आंखें तुम्हें चैन से जिंदा रहने देगी शाखा। तुम शराफत का नारा लगाओगे, लोग तुम्हें ठोकी कहेंगे, तुम मेहनत करोगे, लोग उसे तुम्हारी चालाकी समझेंगे, इज्जत के नाम पर तुम्हें कोई एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं देगा। मैं अपनी ईमानदारी से लोगों की नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि अगर इंसान हालात के हाथों बुरा बन सकता है, तो अपनी मेहनत और लगन से बुरे से अच्छा भी बन सकता है। और हाँ, मैं अपनी अलग दुनिया बनाने जा रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने आपकी दुनिया के बारे में पुलिस को ना कुछ बताया है, ना ही बताऊंगा। ये शंकर का वादा है। सही महेश, आपने उसे जाने क्यों दिया राजा बाबू? मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूं महेश, शाका से उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं करवा सकता। शराफत का जोश उसे यहां से ले जरूर गया है, लेकिन मेरा तजुर्बा उसे यहां वापस आने पर मजबूर कर देगा।
कौन यार, आखिर बीमारी क्या है? अजी साहब वही तो ढूंढ रहा हूँ। वैसे साहब आप कौन सी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं? ओफो, पहलाज निहलानी की देवा ही देवा। उसमें तो सोने भी मैंने ना सुना है आपका उसके साथ टाका भिड़ा हुआ है। मेरे बाप, तू दो घंटे से फिल्मों की बातें कर रहा है, मेरी गाड़ी तो ठीक कर दे। आपकी चंकी पांडे? हाँ। आपकी गाड़ी खराब है? अरे क्या बताऊं यार, आज मेरा ड्राइवर नहीं आया, मुझे शूटिंग पर पहुंचना है और गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। रास्ते में मुझे ये लल्लू मिल गए, कहने लगे कि हम मैकेनिक हैं। हमने कहा ठीक है आप गाड़ी ठीक कर दो, बस आगे का आंखों देखा हाल आपके सामने है, ये दो घंटे से लगे हुए हैं। क्यों मिस्टर, क्या चक्कर है? ए? मेरे आदमी बनकर पूछ रहे हो या उसके? आदमी तो औरतों के होते हैं, हम दोस्त बनकर पूछ रहे हैं। तो सच्ची बात यह है कि इसमें क्या बीमारी है मुझे भी नहीं मालूम। अनाड़ी हो? खिलाड़ी हो, तो मेरी मदद करो, जो मिलेगा ना आधा आधा बांट लेंगे, हीरो ने बड़ा माल कमाया। ऐसे करो, ये सारे पुर्जे है ना वापस कस दो। अरे तुम तो बड़े एक्सपर्ट आदमी निकले, ये लीजिए पैसे रख लीजिए, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। अरे वाह भाई वाह, हम तो समझते थे कि सिर्फ फिल्म के हीरो ऐसे डायलॉग बोलते हैं, आम जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं। मगर फिल्म भी तो एक जिंदगी है। Hey, I like it, very good. बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, गुड बाय। अरे गुरु, अगर तुम्हारे पास छुट्टा हो तो 50 रुपए तुम रख लो। तू रख अपने पास। वैसे तुम करते क्या हो? बेकार हूँ। इतनी बढ़िया कार बनाने वाला आदमी बेकार? नौकरी चाहिए? दिलाएगा क्या? हो? इतने बढ़िया हैंडसम एक्सपर्ट आदमी को छोकरी नौकरी सब मिलेगी। कहाँ? गाड़ी सर कीजिए सेठ साहब। वाह मियां वाह, तुम तो बहुत माहिर मैकेनिक निकले भाई, साल भर में 365 मैकेनिक आए और कोई इसमें आवाज नहीं पैदा कर सका और तुमने कर दिया। आपको पुराना सेठ कि नगीना ढूंढ के लाया आपके लिए। तो फिर सेठ जी मुझे नौकरी देंगे ना आप? बिल्कुल नहीं जी, तुम्हें नौकरी देना तुम्हारे हक पर डाका डालने के बराबर है, मैं तुम्हें इस गैराज में हिस्सेदारी दूंगा। ओ, आपका मतलब है पार्टनरशिप? बिल्कुल बिल्कुल पार्टनरशिप भाई, इस गैराज में जो कुछ भी आमदनी होगी उसका 25% हिस्सा तुम्हारा, बाकी काम लाना और काम करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं वादा करता हूँ सेठ जी, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं भी वादा करता हूँ। नहीं एक बात कही, गुरु खाना ले आया। रख दे, नट कस के आया। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। जाओ रे जोगी। यहाँ कोई लड़की तो नहीं आई? लड़की? अबे हमारे तो कभी सपने में लड़की नहीं आई, तू इस गैराज में कहाँ से आएगी? चल गलत जगह ढूंढ रहे हो लड़की, गुरु जल्दी आओ यार भूख लग रही है। अरे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देसी घी का तड़का लगा गुरु, रहमत सेठ ने स्पेशल ऑर्डर दिया था होटल वाले को। सारी रोटियां खा गया? भूखा कहीं का? रोटियां सारी तुम खा गए? अरे यार अगर इतनी भूख लगी थी तो पहले बोलते ना, और रोटियां ले आता तुम्हारे लिए। ओए सारी रोटी तू खा गया, मुझे ब्लेम करता है? अरे इतना खाधी रोटी के लिए झूठ बोल रहा है यार। गुरु, गुरु, तुम्हारी कसम, मेरी कसम, भूत की कसम, साला एक हाथ गाड़ी से बाहर आया और रोटी अंदर।
क्या पागल जैसी बातें कर रहा चला? अरे छोड़ यार, भूत है गुरु। ये भूत है? अरे यार भूख में क्या कमाल चीज बनाई ऊपर वाले ने। भूख उसने बनाई है, तेरी चटनी मैं बनाऊंगा। देख हाँ? खिला के पिला के माना शरीफों का काम नहीं है। और चोरी करके खाना शरीफों का काम है? माफ कर देना। कर दे गुरु कर दे। चल ठीक है माफ किया, मगर एक सांस में अपने बारे में सब कुछ बताओ। मैं नासिका रहने वाला, मैं मेरे माँ बाप बन चुका है। मैं नासिका रहने वाला, मेरे माँ बाप बन चुके हैं। एक मामा है जो मेरी शादी एक काली मोटी लड़की से करना चाहता है। एक बाजार बंद मुंह पर चेचे के दाने, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं घर से भाग कर आऊँ, गाड़ी में छुपा कर आया, छुपा मैंने भूख ने मुझे पकड़ा दिया। और क्या बोलूं? बोलूं तो क्या बोलूं? अबे इतनी बुरी तरह से डरा दिया, और क्या बोलूं? चल फूट यहां से, हम लोगों को सोनेगा। अच्छा दोस्त मैं चलता हूँ। अरे इतनी रात गए तू कहाँ जाएगा, यही सो जा, आ जा। अरे चल ना, चल सो जा। अरे यार ये बिस्तर बहुत छोटा है, मैं बाहर जाकर सोता हूँ। ओए क्या लड़की की तरह नखरे करता है, चल चुपचाप सो जा। अरे चादर में नहीं तो ठंड लग जाएगी। अरे ठंड तेरे को लग रही होगी, मेरे को तो गर्मी लग रही है। ओ बता दो सानू भी गर्म कर दे। अरे ओए हिलना ओए। गुरु क्या बात है इतना हाफ करो? अरे वो जो लड़का है ना हा? उसके पास वो है। वो है क्या? अरे वो जो तेरे पास नहीं है वो हाँ। क्यों लड़की है? हाँ, 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 गुरु हो सकता है, कल तो गुंडे भी उसका पता करने आए थे। हाँ? चलो चल कर देखते हैं। अरे वो तू कहाँ जा रहा है? क्यों? अरे सारी रात मुझे तक क्या, अब मुझे देखने दे। जयराम जी की। जयराम जी की। अबे लोग सुबह उठकर सूरज देवता के दर्शन करते हैं और यहाँ सूरज देवता तेरे दर्शन कर रहे हैं, ये कोई टाइम है उठने का? अब जाने दे बजरा, उस काली मोटी एक बाजार बंद चेचक के दाग वाली से बचकर पहली रात चैन की नींद सोया बेचारा। जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल ठीक, चैन की नींद सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, नहा धोकर नाश्ता वास्ता करके जाना बड़ो। अब वो क्या है कि मैं दिन में नहाता वाता नहीं और यार नाश्ते से अपना कोई वास्ता नहीं, सीधा दिन में खाना खाता हूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इस गैराज की हर चीज सुबह पानी से नहलाई ना जाए तो दिन भर धंधे में पनौती लगी रहती है। बिना नहाए तो तुम जा ही नहीं सकते। गुरु कपड़े उतार दो इसके। उतार दो? जबरदस्ती है क्या, मैंने नहीं नहाया। अरे कपड़े उतारता कि नहीं? छोड़ दे छोड़ दे, उतारता ना कपड़े। उतारता? हाँ। नहीं उतारता। और तेरी तो था लड़की उसे लड़का बना दिया, जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया। ओबा रे राबा, आए मेरे रब्बा, ये क्या गजब किया।
जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया, जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया। उसे लड़का बना दिया, जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया। तौबा रे तौबा, हाय मेरे रब्बा, ये क्या गजब किया। जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया, जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया। उसे लड़का बना दिया, जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया। क्यों मिस रोडीचोर, कैसी रही? अरे तू रोने लगी? अरे मैं जानता था तू लड़की है, इसीलिए तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। तकदीर जिसका मजाक बना दे उसका सभी मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, फिर भी गलती हो गई, माफ कर दो। अच्छा ये बताओ तुम लड़का क्यों बनी? अपने मामा की वजह से। मामा? माँ बाप के मर जाने के बाद मामा ही मेरा सब कुछ था। वो मेरी शादी एक बदमाश लड़के से करना चाहता है ताकि वो मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था इसलिए मैं लड़का बनकर वहां से भाग निकली। मामा के आदमी मेरा पीछा कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे गैराज में पनाह ले ली। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
है सर जी। ये वही मामा है और साथ में उन गुंडों को मैं जानता हूँ। ओहो शाका, तो ये गैरेज तुम चला रहे हो? मैं उन पुरानी गाड़ियों की मरम्मत करता हूँ जिन्हें कोई और ठीक नहीं कर सकता। तुम क्या ठीक करवाने आए हो? ठीक करवाने नहीं शाका, तुम्हारे गैरेज में एक नई गाड़ी आ गई है, मैं उसे लेने आया हूँ। अच्छा, तो ये नया धंधा शुरू कर दिया तुमने? हम हर वो धंधा कर लेते हैं जिसमें कोई कमाई हो। हाँ, चाहे उसके लिए अपनी माँ बहन क्यों ना बेचनी पड़े। शाका! अच्छा यही है कि तुम मेरी भांजी को मेरे हवाले कर दो। अरे लालत है तुम जैसे मामा पर। मामा के लिए भांजी बेटी समान होती है और तुम उसे ही लूटना चाहते हो। चलो ना। शंकर, अगर आज तुम ना होते तो मैं फिर उसी दलदल में पहुंच जाती। घबराओ मत आरती, अब तुम्हारा मामा यहां कभी नहीं आएगा। हे प्रभु, शंकर जैसे इंसान का सहारा देकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। इस सहारे को मेरे जीवन का सहारा बना दे प्रभु। इंस्पेक्टर, ये जुल्म है, साथी है। इस तरह किसी शरीफ आदमी को बंद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। शरीफ बनने का नाटक करके तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझको नहीं। आरती के मामा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की है, अपनी भांजी को भगाने का तुम पर इल्जाम लगाया है। अरे आओ आओ भांजी आओ, मैंने तो सोचा था तुम्हें पुलिस पहुंचाने आएगी, लेकिन लगता है तुम तो अकेले ही चली आई। आज मैं तुमसे जिंदगी का हर नाता तोड़ने आई हूँ। तेरा मेरा नाता कैसे टूट सकता है भांजी? तू मेरी स्वर्गीय बहन की इकलौती संतान, तेरा मेरा रिश्ता तो। मेरा तुम्हारा रिश्ता जिस जायदाद ने जोड़ रखा है, मैं वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगी, मगर तुम्हें शंकर को पुलिस से छुड़वाना होगा। एक अजनबी के लिए इतना बड़ा बलिदान, शायद तुम नहीं जानती वो क्या था। वो क्या था इससे मुझे कोई मतलब नहीं। उसने मुझे सहारा दिया, मेरी मदद की। अगर उसे इस झूठे इल्जाम में सजा हो गई तो तुम्हारे जैसे कंस मामा से कोई नहीं बच सकेगा। क्या बक रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने शंकर को ठीक तरह समझा नहीं। उस बेचारे ने तो मेरी भांजी की मदद की, उसे गुंडों से बचाया। झूठ बोल रहे हैं आप। शंकर बदमाश है, चोर है। आपने जो उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन लिखवाई है वो सच है। देखिए, आपको शंकर के किसी भी आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूं, आप उसे छोड़ दीजिए। हवलदार जी साहब, छोड़ दो उसे। माफ करना शंकर, तुम्हें समझ में मुझसे भूल हुई। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस बार तो तुम बच गए, लेकिन मेरे हाथों से तुम ज्यादा दिन नहीं बच सकोगे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता इंस्पेक्टर?
कि मैं एक शरीफ इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि तुम जैसे लोग समाज के लिए कैंसर हो, जिसका इलाज करने के लिए सरकार ने हमें नौकरी दी है, ये वर्दी दी है। अगर तुम चलते तवे पर बैठकर भी अपनी शराफत का ढंढोरा पीटोगे तो भी मुझे यकीन नहीं आएगा। तुम यकीन करो या ना करो इंस्पेक्टर, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता। इस पर मेरा यकीन आज और भी मजबूत हो गया है। इस पुलिस स्टेशन से बाइज़े जाना मेरी सच्चाई की पहली जीत है इंस्पेक्टर। मामा, मैं ये तो समझ गया कि तुम्हारी भांजी तुम्हारे पास पहुंच गई है, मगर इतना याद रखना कि अगर तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें। अरे अरे बेटे, खामखा क्यों धमकी देके अपनी एनर्जी और मेरा वक्त खराब कर रहे हो? मेरी भांजी तो तुम्हारे यहाँ है। मेरे यहाँ? पता नहीं तुमने उस पर क्या जादू कर दिया है। उसने अपनी सारी जायदाद तो मेरे नाम लिख दी और कहा मेरे शंकर को बचा लो। तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे मामा तुम्हें जेल में बंद करवा देते, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि मेरी वजह से तुम्हें जरा भी तकलीफ पहुंचे। तकलीफें मेरी जिंदगी है आरती, लेकिन तुमने अपनी जायदाद देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस जायदाद से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, मेरा सहारा है। नहीं आरती, मैं जिंदगी के समुन्द्र में बिना पतवार के चलने वाली किश्ती हूँ। जब कोई मेरा अपना सहारा नहीं, मैं तुम्हारा सहारा क्या बनूंगा? तुम मुझे अपनी किश्ती की पतवार बना लो, हम दोनों की तकदीरें हमें किनारे तक पहुंचा देंगी, मुझे पूरा यकीन है। ये यकीन नहीं, नादानी है, धोखा है जो तुम अपने आप को दे रही हो। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं जुर्म और गुनाहों की दलदल में गिरा हुआ एक ऐसा इंसान हूं जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफों के सिवा कुछ भी नहीं। कांटे ही कांटे हैं मेरी जिंदगी में। शंकर, अरे ओ शंकर, पैर पैर लग गया क्या? हाँ सर जी। जैकर? यस सर। यार मेरी गाड़ी का इंजन चेक करो, बार बार बंद पड़ जाता है। दिनो साहब की गाड़ी चेक करो। अभी लीजिए साहब। आइए कुमार साहब, चाय पीते। मैं चलूं? मेरी माँ बीमार है। हाँ बेटे, ये ले तेरी आज की मजदूरी। शुक्रिया। ए, तूने मेरा सिगरेट केस देखा? नहीं साहब। झूठ बोलता है। क्या बात है कुमार साहब? उसने मेरा सोने का सिगरेट केस चोरी किया, अभी गाड़ी में पड़ा हुआ। कब है? कहाँ है सिगरेट केस? वो शंकर के पास है सर जी। मैं तुझे दवाई लाया हूँ और फल भी। पेट भर खाना तो मिलता नहीं, जब तक तुम्हारे लिए फल ले आता है। डॉक्टर ने कहा है माँ, फल खाने से तुम्हें ताकत आएगी। कितना ख्याल है तुझे माँ का, खाने खेलने के दिन है तेरे, पर तुझे छोटे छोटे हाथों से काम करना पड़ता है। माँ तू अच्छी हो जा, इसके लिए जितना भी काम करना होगा मैं करूंगा। माँ ये ले फल। ये तू कहाँ से लेकर आया? चोरी करके। चोरी करके? नहीं माँ, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। माँ तेरी कसम मैंने चोरी नहीं की। ये मेरी छोटी कसम नहीं खा सकता साहब। ये चोर है, चल पुलिस स्टेशन। आ गया मां।
अबे लामडे, बड़े फुर्तीले, अबे बचपन में ये हाल है तो जवानी में तो सारे शहर की पुलिस को उंगलियों पे ले जाओगे? क्या धंधा करता है? चोरी या जेब कतरी? नहीं, आप उन्हें गलत समझ रहे, मैं कोई बुरा काम नहीं करता। मेरी माँ मुझे एक अच्छा आदमी बनाना चाहती थी, पर मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। इस दुख में मेरी माँ मर गई। अबे अच्छा बनने वाले तेरी तरह जिंदगी भर रोते रहते हैं, उनकी माँ इसी तरह मर जाती है। इस आज की दुनिया में जिंदा रहने का अवसर उन्हें मिलता है जो छीनना जानते हैं, दुनिया को अपने सामने झुकाना जानते हैं, इस उंगली पर दुनिया को नचाना जानते हैं। पुलिस भागती है गरीबों के पीछे, गरीबी से पीछा छुड़ा, अमीर बन जा, पैसे की ताकत तुझे खुशी, इज्जत और शान से रहने का तरीका सब तो सिखा देगी। इंस्पेक्टर पोपर की जिंदगी का पोपर चला दूंगा। मेरी जान की परवाह मत करो, गोली चलाओ उस पर। बड़ी नफरत करते हो मुझसे? अपनी जान की भी परवाह नहीं? हाँ, तुम जैसे मुजरिमों को खत्म करने के लिए मैं हजार बार अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, पर पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारी जान बहुत प्यारी है। मैं जानता हूं कि कोई गोली नहीं चलाएगा और तुम मुझे मेरी मोटरसाइकिल के पास तक लेकर चलोगे। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जरा किक मार दो प्लीज। थैंक यू। एक बात याद रखना शाका, जिस दिन दोबारा तुम मेरे हाथ लग गए उस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी को झन्नू मना दूंगा। वो दिन तुम्हारे मरने से पहले नहीं आएगा इंस्पेक्टर, और जब तक तुम जिंदा हो शाका तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बनाए रखेगा। मैं तुम्हारा ये रिवॉल्वर ले जाता हूं और तुम ये रख लो, नकली है। शाबाश शाका, शाबाश। शाका, ओ शाका, ये क्या आते ही पीना शुरू कर दिया? निशा,
ये हीरा हमारे शाका की तरफ से तुम्हारे लिए। बड़े संभाल के रखना इसे, बहुत कीमती है ये। हाँ, मेरे लिए तो शाका से ज्यादा कीमती कोई हीरा नहीं है राजा बाबू। शाका, इंस्पेक्टर पोपटलाल को आज की चोरी की खबर नटवर दादा ने दी थी। शाका, रहने दो ना, तुम आज रुक जाओ ना। तुम शाका की सिर्फ महबूबा हो, आइंदा शाका के काम में दखल देने की कोशिश मत करना। निशा, तुम घर जाओ, मेरा शेर शिकार करने के बाद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। नटवर, मुझसे दुश्मनी करने वाले का जीना हराम हो जाता है, शायद तू ये भूल गया था। खबर तूने दी थी पुलिस को मुझे पकड़ने के लिए, अब एक खबर मैं तुझे देता हूं। तेरे इस अड्डे पर 50 लाख रुपए के चरस, गांजा और हशीश है। तुम दोनों इस काबिल नहीं कि अपने पैरों पर खड़े हो सको, हर एक मिनट में पुलिस यहां आ जाएगी। हेलो राजा बाबू, हमें जैसे ही पता चला कि हीरो की चोरी हो गई है, हम फौरन रुपया लेकर यहां चले आए। हम मान गए तुम्हें, इससे पहले नटवर दादा इन हीरो को चोरी करने में 2 बार नाकाम रह चुका है। नाकामी का शब्द राजा बाबू की डिक्शनरी में नहीं है मिस्टर डागा। वक्त पर कामयाबी से काम करना राजा के बिजनेस का पहला असूल है। बस मेरा शेर, मेरा बेटा शाका सही सलामत रहे। ये जाप सारे तोड़ दे।
राजा बाबू की तालीम ने मुझे शंकर से शाका बना दिया। दौलत, ऐशो आराम सब कुछ मेरे कदमों में था। पुलिस के साथ आंख में चोली खेलना मेरे लिए खेल बन गया था। एक दिन लादो ना, कम ऑन, पहले मेरा टैक्स। तो किसी ट्रेन को लूटना है या बैंक में डाका डालना है? एक बच्ची को किडनैप करना है। अरे अपने माँ बाप की अकेली औलाद है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। वो ठीक है राजा बाबू, मगर किसी बच्चे को उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ए, बोला तो बोला क्या हा? अरे इसमें बुरी बात क्या है? कीमत मिलते ही हम बच्चे को माँ बाप के पास वापस लौटा देंगे। हमने कौन सा उस साले को पालना है? बच्चे का करोड़पति बाप शहर से बाहर गया हुआ है, घर में सिर्फ माँ और बच्चा अकेले हैं। महेश तुम्हारे साथ जाएगा, ये काम आज ही रात को कर डालो। Thank you.
तू मेरा बेटा ना होता वो दिन भूल गया जब तेरी माँ को तुझसे छीना गया था शंकर उस दिन तेरी माँ नहीं मरी तेरी माँ आज मरी है आज तूने ममता का गला घोट दिया है तू मेरा खूनी है तू मेरा कातिल है महेश ये बचा दे क्यों अरे अगर हम इस बच्चे को लेके तो इसकी मां मर जाएगी और ये पाप है अरे पाप और पुण्य का झमेला तो बाद में करना भी चल बकवास बंद करो बचा दे मुझे अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ आई हुई दौलत को ठुकरा रहा है अरे ठोकर मारता हूं मैं इसी दौलत को ना बचा दे मुझे देखो बहन मैं तुम्हारी मुनी लाया हूं अब तो तुम मुझे माफ कर दोगी ना आंखें खोलो बहन बहन आंखें खोलो ना नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम इसे आंखें फेर कर नहीं जा सकती देखो ना बहन देखो ना मैं तुम्हारी मुनी वापस ले आया हूं देखो ना तुमने इंतजार क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया मुझे देख क्यों रहे हो मैं खूनी हूं मारो मुझे मैं कातिल हूं मारो मुझे अरे मारो मुझे मारो मारो मार डालो मुझे मारते क्यों नहीं तुम लोग मार दो मुझे शाखा इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर मैं खूनी हूं मैंने उस बेचारी का खून किया इंस्पेक्टर मैंने एक माँ का खून किया इंस्पेक्टर एक माँ का इंस्पेक्टर एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया इंस्पेक्टर एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार कर ले चलो इसे मुजरिम शंकर और शाका एक पेशेवर चोर है बच्चा चुराने के जुर्म में पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया इसलिए यह अदालत इसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है आइए सर सर ये मैदान देख रहे हैं ना आप आज से 6 महीने पहले यहां इतनी ही ऊंची पहाड़ी थी लेकिन इतने कम अरसे में हमारे जेल के कैदियों ने अपनी कड़ी मेहनत से इसे साफ कर दिया सर बहुत खूब इनकी यही कड़ी मेहनत इन्हें बाहर निकलकर एक बहुत अच्छा इंसान बना सकती है जी हाँ सर कुछ लोग तो सुधर जाते हैं लेकिन कुछ लोग बार बार यहां आते रहते हैं ए, खबरदार अगर किसी ने कोई हरकत की बंदूक फेंक चलिए नेताजी गाड़ी में ने पीछा किया तो मारा जाएगा अरे उधर मत जाओ बम फटने वाला है
तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है नौजवान। क्या नाम है तुम्हारा? मिनिस्टर साहब की जान बचाने की वजह से मेरी 3 साल की सजा माफ कर दी गई और इस तरह बाप की गुजरी हुई जिंदगी ने मुझे नर की आग से निकलने वाला आग का गोला बना दिया, जो सच्चाई और शराफत का सहारा लेकर इस दुनिया में प्रायश्चित करने निकला है। मेरा प्रायश्चित अधूरा रहता है या पूरा होता है मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है, पाप की जिंदगी ने तुम्हें जलाने वाली आग का गोला बना दिया था, लेकिन आज तुम वो आग का गोला हो जिसे सूरज कहते हैं, जो खुद जलता है और दूसरों को अपनी रोशनी में रास्ता दिखाता है। सच्चाई और शराफत की जो जंग तुम लड़ने जा रहे हो उसमें मुझे भी अपना साथी बना लो शंकर, तो वक्त की रोटी अपने हाथों से बनाकर खिला दे तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। अगर तुम इस जंग में मेरा साथ देना चाहती हो तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी पकाकर खिलाने वाली नहीं, मेरी जीवन साथी बनकर साथ देना होगा। बहुत बहुत मुबारक हो शंकर, बहुत बहुत मुबारक हो। वो हमारी दादी मरहुमा कहा करती थी ना, दूध हो नहाओ और पूतो फलो। शंकर मियां, एक ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। चाबी? देखिए, किस्मत की चाबी तो अल्लाह के हाथ में है, रहमत मियां के हाथ में गैराज के बाजू वाले कमरे की चाबी। अब घर वाली मिली है तो घर की जरूरत पड़ेगी ना। गुरु, अंदर दूध और जलेबियां रखी है, बिल्ली मर लेना। हो गया थे तेरी तो। गुरु, अंदर दूध और जलेबियां रखी है, बिल्ली मर लेना। दिल का एक टुकड़ा पीछे छुपा था, उसे बाहर निकालना था। शर्म नहीं आती? मैं तो डर ही गई थी। अरे डर और शर्म को निकालने के लिए तो मैंने ये नाटक किया था। अरे सुनिए तो, आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? उसकी भाई सुहाग रात है। ये सुहाग रात नहीं, मोहल्ले में आने वाले गंदगी की निशानी है। मियां खुदा खैर करे, क्यों बेचारों को बदवाएं दे रहे हैं? क्या बात क्या है? तुम इस घर में नहीं रह सकते। तुम इस घर में तो क्या, इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। लेकिन मैंने किया क्या है? अरे वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली चली गंगा नहाने। तुम एक चोर हो, जेल जा चुके हो। अगर तुम्हारे जैसा आदमी हमारी बस्ती में रहेगा तो हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? क्या कह रहे हैं आप लोग? शंकर मियां, शंकर मियां, क्या ये सब कुछ सच है? अरे मत मियां, ये सब कुछ सच है। अगर आपने इसे अपने घर और गैरेज से नहीं निकाला तो मोहल्ले वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। खिलाफ होते हो तो हो जाए, रहमत मियां पर अल्लाह की बड़ी रहमत है। मैं ये गैराज, ये घर, ये सब कुछ बेच नहीं रहमत मियां, मेरे पश्चाताप की आग में आपको नहीं जलना पड़ेगा। मैं ये मोहल्ला छोड़कर खुद ही चला जाऊंगा। नहीं शंकर, आपके यहां आकर मुझे जीवन भर साथ निभाने वाली मिल गई, यही बात है। चलो आरती। दुश्मन बन जाती है ये मधुर मिलन की रात, फुटपाथों पर कट जाती है।
कलियां खिलने से पहले ही मुरझा गई। छी 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 छी, कितने जुल्म की बात है ये। मैं जानता हूं इसके जिम्मेदार भी आप हैं। शाका, बचपन से जवानी तक तुम्हारे जिम्मेदार हम ही थे, और अब जिंदगी भर तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है। वापस लौटो शाका। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओहो, जिद जिद जिद, तुम्हारी यही जिद आज तक तुम्हें ठोकरें खिलवा रही है शाका। लेकिन इस बेचारी को कहां दर दर की खाक छिनवाओगे? हाँ, दुनिया आपकी नियत की तरह छोटी नहीं है। अगर ईमानदारों के लिए एक दर बंद होता है तो 10 दर खुल जाते हैं राजा बाबू। खुलने वाला हर दर बंद कर दिया जाएगा। मेरा रास्ता फिर भी नहीं बदलेगा। हर रास्ते पर दीवार खड़ी मिलेगी तुम्हें। झूठ की दीवार ईमानदारी की ठोकर पर रेत का ढेर बन जाएगी। रेत को पानी समझ कर उसकी तरफ गलत बढ़ रहे हो शाका। आप पानी को रेत समझ कर गलती कर रहे हैं राजा बाबू। ईमानदारी का तूफान बाढ़ पर आई नदी के पानी की तरह फैल जाता है, और बेईमानी की फसल का नाम और निशान मिटा देता है। ये सब किताबों में लिखी जाने वाली बातें हैं। किताबें गुजरे हुए कल का इतिहास बनती हैं और आने वाले कल के भविष्य का रास्ता दिखाती हैं। आपने शंकर को शाका बनने का रास्ता दिखाया था, मैं शाका को शंकर बनने का रास्ता दिखाऊंगा। आने वाले कल को मैं किसी भी कीमत पर तेरा गुजरा हुआ कल न बना दूं, तो मेरा नाम भी राजा बाबू नहीं, बोला तो बोला क्या? क्या हुआ एक्चुअली? ये लोग शाका पे नजर रखे थे। फिर वो हमें धोखा देकर निकल गया। हेलो राजा बाबू। ठाकुर साहब, आप और इस वक्त? आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा काम लेकर आया हूं जिसे करके तुम करोड़ों कमा सकते हो। ऐसा क्या काम है? गवर्नमेंट ऑफिस में एक फाइल है जिसमें देश के टॉप सीक्रेट्स और खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे विदेशी दोस्त उस फाइल की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। अगर तुम वो फाइल चुरा कर उन्हें दे दो। क्या बात है राजा बाबू? आज से पहले मैं जो भी काम कहता था तुम कहते थे कि हो जाएगा, फिर आज ये सोच कैसी? डॉक्टर साहब, ये काम बहुत खतरनाक है और इसके लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि अकल की भी जरूरत है। और ये दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं? है नहीं, थी। जो आदमी इस काम को कामयाबी के साथ कर सकता है वो इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है। कौन है वो? मेरा अपना शागिर्द, मेरा अपना दाया हाथ, शाका। आरती! तुम आ गए? ओ आरती, 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 आरती। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। पहले आंखें बंद करो फिर बताता हूँ। पाप क्या है? आंख बंद कर। चलो बंद कर ली। इतनी खूबसूरत साड़ी छोड़ना। कमाल है, पति को पहली तनख्वाह मिली है, गले लगकर उसे बधाई नहीं दोगी? तुम्हें तो बस मौका चाहिए गले लगाने का। हटो प्लीज। देखो अभी नहीं, पहले खाना खा लो। पहले मेरी प्यास बुझाओ फिर खाना खाऊंगा। देखो पहले खाना खा लो ना। पहले प्यास बुझाओ। नहीं खाना। प्यास? नहीं। प्यास? नहीं। हाँ? नहीं। हाँ? हाँ?
Thank you.
की तलाश में सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। हाँ, लेकिन ये खबर लीक कैसे हो गई? लीक हुई नहीं है, लीक कराई गई है। उधर हमारी तलाश में पुलिस, शहर की सारी गाड़ियां कंगालती रहेगी और इधर वीराने में हम अपना काम कर जाएंगे। खैर, शरफ लाए। यस मिस्टर डागा, गाड़ी में है। हाँ मिस्टर डागा, आप उस सरकारी फाइल की चोरी करवाना चाहते थे ना, जिसमें हमारे देश की तमाम टॉप सीक्रेट्स, नक्शे और प्लानिंग है। चाहता था, लेकिन आपने इस काम के लिए कभी हाँ नहीं की। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर डागा कि जब तक हमें अपनी कामयाबी पे पूरा यकीन नहीं होता, हम हाँ नहीं कहते। अब हम वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे 5 करोड़ रुपए लूंगा। टन, लेकिन करेगा कौन? शाका। इंस्पेक्टर, मैं इस आदमी के पास हर महीने इंस्टॉलमेंट लेकर जाता था, ये लेता नहीं था। और अब जब जरूरत पड़ी मैं आ गया लेने। ये जरूरत नहीं तेरी, चला के लाइए तुझे यहाँ। तू मुझे बर्बाद करना चाहता है। देख शंकर, मैं तेने 24 घंटे को टाइम दे रही हूँ। अगर इस बीच में मारो पैसों मनो नहीं मिलियो तो कोर्ट से ऑर्डर लाके तालो लगवा दूंगा। ठीक है ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, पैसे मिल जाएंगे। शंकर, कल तक पैसे दे देना, समझ गया ना? नमस्कार सेठ जी। आप अंदर पर दरवाजे पर तो ताले लगे थे। ताले शरीफों का रास्ता रोकते हैं सेठ जी, चोरों का नहीं। वो मैं अच्छी तरह से जानूं। मारो मतलब है, आप पट्टे क्यों आ गया? मैंने बुला लिया हो तो। हाँ, आप रो काम में कर दियो है। आपने हमारा काम कर दिया, अब हम आपका काम करने आए हैं। मारो काम? शंकर को मैंने बचपन से पाला है, उसकी नस नस से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मुझे यकीन था आपके पैसे मांगने पर उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो आपको जान से मार डालने की धमकी भी देगा। इसीलिए मैंने उसके खास दुश्मन इंस्पेक्टर पोपटलाल को वहां भेज दिया था। मैं समझियो कोनी। ओहो, इतनी मामूली सी बात आप नहीं समझ रहे हैं सेठ जी। शंकर की वापसी के लिए आपकी बलि चढ़ाना बहुत जरूरी है। शाबाश शाबाश शाबाश। इस तरह रास्ता रोकने का मतलब? अरे वो सेठ है ना, अरे भाई वही जिससे तुमने कर्जा लिया था, उस बेचारे का खून हो गया है। ओ, और इल्जाम मुझ पर होगा? ये मैं नहीं कह रहा, पुलिस कह रही है। चंद सबूत मिले हैं उन्हें। झूठे सबूत कितने भी मजबूत हो, झूठे ही होते हैं राजा बाबू। नहीं नहीं शाका, आजकल झूठ को सच और सच को झूठ में मिलाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब देखो ना, तुम्हारा झगड़ा उस सेठ के साथ हुआ इंस्पेक्टर के सामने, तुमने सेठ को जान से मार देने की धमकी दी और फिर तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड पुलिस में भी है। अब इन तमाम सच्चाइयों में अगर एक दो झूठे सबूत मिला दिए जाए तब फांसी भी हो सकती है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं शाका, एक जेल को जाता है और दूसरा मेरी तरफ आता है। राजा बाबू, तुम्हारी कोई भी चाल मुझे नहीं फंसा सकती। जो जुर्म मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे कभी नहीं मिलेगी। इसका मुझे पूरा यकीन है। तुम जल्दी केक काटो, मुझे नींद आ रही है, घर जाना है। जब भी मेरे पापा आएंगे तभी मैं केक काटूंगा। विकी। पापा। कहाँ चले गए थे? सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। एक जरूरी काम से गया था, माफ कीजिएगा आप लोगों को, मेरी वजह से रुकना पड़ा। कोई बात नहीं शंकर भैया। शंकर, मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। गिरफ्तारी? और शंकर भैया की क्या किया उन्होंने? खून मारवाड़ी सेठ का, यही चार्ज है ना इंस्पेक्टर? मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लोगे। ये जुर्म नहीं,
झूठा इल्जाम है। तुम्हें जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन के अंदर चलकर कहना। छी छी छी, हम इस खूनी के घर का केक नहीं खाएंगे। चलो भाइयो, चलो चलो भाइयो, चलो। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेना बाकी है। ईमानदारी की रोशनी ने, सच्चाई की जो ताकत उन्हें दी है, अगर उस पर जरा सा भी दाग लग गया तो दुनिया तेरी सच्चाई पर शक करने लगेगी। तुझे अपनी सच्चाई की रक्षा करनी है प्रभु, मेरे शंकर को वापस ले। झूठ बोल रहे हो तुम। बड़ा घमंड था तुम्हें अपनी शराफत और सच्चाई का, अब तुम्हारे घमंड का सर कुचल गया। मेरे सामने मारवाड़ी सेठ ने अपना कर्जा तुमसे वापस मांगा, मेरे सामने तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी, और चलो इस टाइम पेपर पर तुम्हारे दस्तखत अभी तक मौजूद है जो तुम्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए काफी है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज तक ऐसा कोई चाकू नहीं बना इंस्पेक्टर जो 120 किलोमीटर से किसी का खून कर सके। मिस्टर चंकी पांडे, मैंने शाम के अखबार में इस खून के बारे में पढ़ा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मारवाड़ी सेठ का खून 2 और 4 बजे के बीच में हुआ था, और 12 बजे से 5 बजे तक शंकर मेरे साथ खंडाला में था। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मैं खंडाला में शूटिंग कर रहा था, और मेरे अलावा यूनिट के बाकी मेंबर भी गवाही दे सकते हैं। आप चाहे तो मैं अपने वकील से जमानत दिला दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। शंकर का नसीब अच्छा है कि उस वक्त आपके साथ था। ये मेरे नसीब की नहीं, मेरी सच्चाई की दूसरी जीत है इंस्पेक्टर। ये रुपए मुझे चंकी साहब ने उधार दिए थे मारवाड़ी सेठ का उधार चुकाने के लिए। इन्हें आप पुलिस स्टेशन में जमा कर लीजिए। शंकर, मैं अपना बयान लिखा देता हूं, तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। थैंक यू, इट्स ऑल राइट। क्या हुआ शंकर? सच्चाई कभी नहीं हारती, कानून को मुझे बाइज्जत छोड़ना पड़ा। शुक्र है भगवान का। चलो विकी, क्या करते हैं? जेल गई तो पता चला तुम पहले ही छूट गए हो। तुम कहां चले गए थे शाका? ईशा, मुझे यहां कौन लाया? मैं
सड़क पर गिर गए थे। मैंने डॉक्टर को बुलाया, उसने तुम्हें विटामिन के इंजेक्शन लगाए। कह रहा था भूख और कमजोरी ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है। जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे, उसकी ये हालत कैसे हो गई शाका? किस चीज ने तुम्हारी मर्दानगी को जंग लगा दिया है? ये जंग नहीं, इंसानियत की सच्चाई है निशा, जो शंकर के पाप और उसके गुनाहों के दाग को साफ कर रही है। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। घर? तुम्हारा घर तो ये है शाका, जहाँ मैं हूँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी साथी। तुम जिस जीवन की साथी थी वो जीवन नहीं, नरक था। गुनाह की दलदल थी जिससे बाहर निकलकर मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई, एक घर बनाया जिसमें मेरा साथ देने वाली मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? तुम मुझसे ऐसा मजाक मत करो शाका। ये मजाक नहीं, हकीकत है निशा। मेरी एक पत्नी है, एक बच्चा है। नहीं, नहीं, नहीं! मेरे सिवा किसी औरत के साथ तुम्हारा संबंध नहीं हो सकता, कोई दूसरा घर नहीं हो सकता, और अगर होगा तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी, उस औरत का गला घोट दूंगी मैं। खबरदार, जो मेरी पत्नी या मेरे पवित्र घर के बारे में अपने गंदे होठों से एक लफ्ज भी और निकाला। मेरे होठ गंदे हैं? मेरा घर अपवित्र है? वही घर जिसमें हमने अपनी जिंदगी के शानदार आते गुजारी थी, वही होठ जिन्हें तुम कभी प्यार करते थकते नहीं थे। वो प्यार नहीं, वासना थी। इस घर में गुजारी रातें शानदार नहीं, शैतानी जाल था जिसमें सिर्फ पाप और गुनाह पलते हैं। निशा, ये क्या हालत बना रखी? इतने दिन तक कहां थी तुम? मुझे खबर मिली कि तुम बार में शराब पी रही हो, लेकिन तुम तो शराब से नफरत करती थी। मोहब्बत करने वाला दूर हो जाए तो नफरत से ही मोहब्बत करनी पड़ती है राजा। शाका ने शादी कर ली है, वो अपनी पत्नी को देवी मानता है, और मैं उसके लिए सिर्फ वासना की कठपुतली बन गई हूँ। काश कि उसके जेल से छूटने पर तुम उस दिन शहर में होती, तो तुमसे तुम्हारा प्यार और मुझसे मेरा जिहाद कभी नहीं चिंता। मैं शाका के बिना जिंदा नहीं रह सकती राजा बाबू, मुझे मेरा शाका चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे मेरा शाका चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। बोला तो बोला क्या, उसे जिंदगी के उस मोड़ तक पहुंचा दिया है जिसकी सिर्फ दो मंजिलें हैं। या तो वो मेरे पास आएगा या अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुदकुशी कर लेगा। रुपए 12 आने, आगे बोलो। रामलाल, रामलाल, ये लो 12 रुपए। शंकर, शंकर, 15 रुपए, ये लो 15 रुपए। आगे बोलो। तारीख, तारीख, thank you.
बुला कहा? पहचाना हमें? नटवर, मेरी तेरी अब कोई दुश्मनी नहीं। मैंने पुराना काम छोड़ दिया है। पुराना काम छोड़ने से पुरानी दुश्मनी नहीं छूट जाती शाका? गूंगे को अपने चिकने गाल बेहद पसंद थे और तुमने उस पर निशान बना दिया। बेचारा हर वक्त उसे ही चलाता रहता है। देखो नटवर, मेरी बीवी और बेटा दो दिन से भूखे हैं। बस मुझे ये खाना पहुंचाने दो। अब उनके पास ये खाना नहीं, तेरी लाश पहुंचेगी। नटवर, हाथ मेरा भी उठ सकता है। चूड़ियां पहनने वालों के हाथ कब से उठने लगे? तूने इस रोटी को नहीं, मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी को लात मारी है कुत्ते। बच्चा दो दिन से भूखा है, आज थोड़ा सा राशन दे दीजिए। मेरे पति काम पर गए हैं, जो भी कमा कर लाएंगे हम चुका देंगे। चोर की बीवी को उधार देने का मन तो नहीं करता, पर मासूम बच्ची की बात करके तूने मेरे मन में दया जगा दी। जा अंदर, जा अंदर से जो भी चाहिए ले ले चुपके से, मोहल्ले वालों को पता भी तो नहीं लगना चाहिए। दरवाजा क्यों बंद किया जी? तेरा तो बच्चा भूखा है ना, जरा मेरी भी भूख मिटा दे, उसके बाद जो भी चाहिए वो ले ले। शंकर, क्या हुआ आरती? तुम इतनी घबराई क्यों? हाँ आरती, तुम बोलती क्यों नहीं? हाँ
क्या हुआ? ये खून। इसे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी हालत किसने की? बस्ती वालों ने कुछ कहा? नहीं। तो फिर क्या वजह तुम्हारे नासों की, तुम्हारी इस हालत की? कोई वजह नहीं। क्या छुपा क्या रही हो तुम मुझसे? आरती, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं। बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं। बोलो आरती, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें विक्की की कसम आरती। मुझे कसम मत दो शंकर, मुझे कसम मत दो। आरती, तुम्हें विक्की और मेरी कसम की कोई परवाह नहीं, ठीक है? मैं ही पता लगा। रुक जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तपस्या बर्बाद हो जाए और तुम फिर से शाका बन जाओ। तो फिर मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो हट जाओ मेरे रास्ते से। बताती हूँ, बेकी भूखा था, मैं बने से उधार राशन लेने गई थी, तो उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला चाहा। उस कुत्ते की ये मजाल, मैं उसे शंकर रुक जाओ, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बताना चाहती थी मुझे उन सब बातों को। अपनी बीवी की बेइज्जती को भूल जाऊं, इस घर की इज्जत को भूल जाऊं? नहीं शंकर, हट जाओ। शंकर, शरीफों की बस्ती है, यहाँ बदमाशी नहीं। रुक जाओ शंकर, नहीं तो गोली मार दूंगा। चला गोली, मार दो मुझे। मार दो क्यों नहीं, चला गोली। तुम मेरी बर्बादी का कारण हो। ये वर्दी जिसका काम है बुरे रास्ते पर जाने वालों को रोकना, शराफत का रास्ता दिखाना, मगर तुम मेरे रास्ते के सबसे बड़े पत्थर हो। मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सुख की जिंदगी जी रहा था, तुमने मुझे खून के झूठे इल्जाम में पकड़ा, मेरे बारे में अखबारों में छपवाया, बदनामी ने मेरी रोजी रोटी छीन ली, दाने दाने के लिए तरसा दिया मेरे घर वालों को। और ये लोग जो शरीफ होने का डंका पीटते हैं, मैं इनसे पूछता हूं, जब एक इंसान अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को कानून के हवाले कर दे और कानून की दी हुई सजा भुगते, तो उसे शरीफ बन के जीने का हक क्यों नहीं है? मैं कई सालों से इस बस्ती में रह रहा हूं, कभी मुझसे कोई शिकायत हुई? कभी किसी ने मुझे कोई गलत काम करते हुए देखा? मगर फिर भी मैं तुम लोगों की नजरों में एक बुरा आदमी हूं, क्योंकि कभी मैं एक चोर था, और ये जिसने अनाज के चंद दानों के लिए मेरी पत्नी की इज्जत लूटनी चाहिए, ये अच्छा है? अगर तुम्हारे कानून और तुम शरीफ लोगों की नजरों में ये अच्छा है, तो मैं ऐसे अच्छों को जलाकर राख कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा ऐसे कीड़ों को। शंकर भैया, हमने आपको गलत समझा, हमें माफ कर दीजिए। हमने तुम्हारे प्रायश्चित को नहीं, सिर्फ जुर्मों को देखा है। बुरा आदमी है शंकर नहीं, बुरा आदमी है बनिया है, मारो साले को। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना, हवलदार गिरफ्तार कर लो इसे। चलिए आप लोग अपना अपना काम कीजिए, जाइए यहां से, जाइए जाइए। शंकर, मुझे गलत मत समझो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने तजुर्बे की नजर से देखा,
इंसान की नजर से नहीं, हमारे सीने में भी दिल होता है, पत्थर नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आज आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह बनी है तो मैं आपसे थोड़ी सी मदद चाहूंगा। बोलो शंकर। इंस्पेक्टर साहब, बुराई को मैं छोड़ना चाहता हूँ और अच्छाई मुझे अपनाने को तैयार नहीं। जो कलंक का टीका मेरे माथे पर लगा है उसे मैं हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ, ताकि कल मेरे बच्चे को ये दुनिया एक गुनहगार और चोर की औलाद न कहे। इसीलिए शंकर एक बार फिर शाखा बनने जा रहा है। मैं पुलिस का इन्फॉर्मर बनकर उनके बारे में खबर दूंगा। जो आज तक कानून की नजरों से छुपे हुए हैं आप उन्हें गिरफ्तार करोगे और मुझे सरकारी गवाह बनाकर इज्जत से जीने का हक दिलाओगे। शंकर, आज तक मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम पर भरोसा करूं। शंकर, अगर तुमने अपना कहा पूरा किया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। जरूर दिलवाऊंगा शंकर, जरूर दिलवाऊंगा। आपका काम होगा, होगा, जरूर होगा मिस्टर डागा। राजा बाबू नागी में से नहीं है जो अपनी जबान देकर पीछे हट जाए। जल्द से जल्द आपका काम होगा, ये मेरा वादा रहा। राजा बाबू, शंकर नहीं, शाखा, आपका शाखा। शाखा, तुम सचमुच? हाँ राजा बाबू, मेरी बेवकूफी ने मुझे एक बार फिर बचपन के उसी मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से आपने मेरा हाथ थामा था। शराफत, ईमानदारी, सच्चाई सिर्फ किताबों में लिखने और पढ़ने वाली बातें हैं। मेहनत को भगवान मानकर मैंने जो भूल की उसका नतीजा ये है कि मेरा बच्चा भूख से पिलक रहा है। मेरी नादानी ने मुझे तोड़ दिया है राजा बाबू। मुझे आज फिर आपका सहारा चाहिए। मेरी शाखा नहीं, मेरे बहादुर बेटे के मुंह से ऐसी कमजोर बातें अच्छी नहीं लगती। अरे मैं और तुम तो हमेशा एक ही यार, हमेशा एक ही रहेंगे। मुझे प्लान बताइए राजा बाबू, ये हाथ अपना हुनर दिखाने के लिए बेचैन है। प्लान? अरे प्लान तो बहुत से है, होना तो बोला क्या। आज ही रात हम दाना भाई जौहरी के यहाँ चोरी करेंगे, लेकिन इससे पहले तुम उससे तो मिल लो जो तुम्हें मिलने के लिए बेहद बेचैन है। शाखा, आया रे, यार आया रे, आया आया रे, यार आया रे, आया आया रे।
जाने जहाँ जाओ किधर जाना है कहाँ, ये क्या है मंजिले ये क्या है रास्ता, हम भी सुने राज जरा हमको भी बता। पिछड़े यार मिले हैं दौर नए चले हैं, नया नशा छाएगा आज मजा आएगा, आया आया रे यार आया रे, आया आया रे यार आया रे, दिल तो चाहता है इसकी सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं। लेकिन पता नहीं क्यों ये हाथ तुम्हारे शरीर को निशाना नहीं बना सके। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ निशा, प्यार ने तुम्हारे हाथों को बांध दिया है ना? लेकिन मेरा ये हाथ गुनेगार को सजा देने से कभी नहीं रुक। राजा बाबू हराम जादे पुलिस का कुत्ते, मेरा नाम भी राजा बाबू है, मैंने कोई कच्ची गोली नहीं खेली है। इस वक्त तुम्हारा दोस्त इंस्पेक्टर पोपटलाल दाना भाई चौरी के यहाँ पहरेदारी कर रहा होगा, और महेश तुम्हारे नाम से तो लोग चौरी के यहाँ डाका डालकर उसके पहरेदारों को मारकर वहां से चल पड़ा होगा। जिस कानून के दोस्त और महबूस बनकर तुम यहाँ आए थे वही कानून अब तुम्हें चोर डाकू और कातिल समझकर फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। तुम्हें लगाकर फांसी पर भी चढ़ जाऊं कोई परवाह नहीं। लल्ला जरा उधर देख ले। पापा, विकी, पापा, मुझे यहाँ से ले चलो, ये मुझे मारते हैं, डराते हैं, पापा, मुझे यहाँ से ले चलो। कमीने, अगर मेरे बेटे के शरीर पर जरा सी भी खराश आई, मैं तेरी पॉटी पॉटी कर दूंगा।
नहीं आएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे लिए एक आखिरी काम करना होगा। तुम्हें गवर्नमेंट हाउस के डिफेंस डिपार्टमेंट की तिजोरी से हमारे लिए एक टॉप सीक्रेट फाइल चुरानी होगी, जिसके बदले में मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे। तुम वो फाइल चुरा कर लिया, हम तुम्हारे बेटे को सही सलामत छोड़ देंगे। ठीक है, मैं वो फाइल चोरी करके लाऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ पापा, मुझे भी साथ ले चलो। घबरा मत बेटे, तेरा पापा तुझे जरूर साथ लेकर जाएगा। बस कुछ घंटों की तो बात है, तो डरना मत, ये लोग तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो डरेगा नहीं ना? नहीं डरूंगा पापा, लेकिन आप जल्दी आ जाना। हाँ मैं बहुत जल्दी आऊंगा। बोला तू बोला क्या? इंस्पेक्टर, इस हादसे के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। एक चोर की बात पे भरोसा करके तुम उल्लुओं की तरह वार डालने देते रहे, और वो यहां अपना काम कर गया। मैं इस वर्दी की कसम खाता हूं सर, जब तक शाका को जिंदा या मुर्दा कानून के हवाले नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बिल्डिंग को फौरन खाली करवा दो, मैं नहीं चाहता किसी की जान जाए। बिल्डिंग में बम रखा है। क्या पक रहे हो, कहो ना तुम। तुम्हारे यकीन के लिए एक धमाका काफी है, अपनी दाईं तरफ देख। से निकल सकता है, चांदनी आग बरसा सकती है, लेकिन तुझ जैसा मुजरिम कभी नहीं सुधर सकता। तू अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ शराफत की जिंदगी बिताना चाहता था। तू पुलिस का साथ देकर इस देश का शरीफ नागरिक बनना चाहता था। तेरी शराफत पर भरोसा करने की वजह से आज अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे कमिश्नर के सामने अपना सर झुकाना पड़ा कमीने। इसमें मेरी गलती नहीं है, उन्हें सच्चाई का पता चल गया और एन बको उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। तेरी बकवास पर अब मैं कभी यकीन नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनो, मैं चोरों बदमाशों की बात नहीं सुनता। और तू, तू तो देश के राज को चुराने वाला देश का गद्दार है। ये फाइल मुझे दे दो इंस्पेक्टर। तुम जैसे देशद्रोही को देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, और वो है मौत। नहीं,
ये फाइल मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जिंदगी है, ये मुझे दे दे। जगह तलाश कर रही है, जिस स्थल के दम पर हमारी गृहस्थी टिकी थी, सारे शहर में नीलाम हो रही है। मेरे बेटे को तुम्हारी वजह से मुझसे छीन लिया गया। बेटे की वजह से ही मैं मजबूर हो गया हूँ आरती। तुम मजबूर हुए हो अपनी कमजोरी की वजह से। मैंने तुमसे कहा था कि उस पाप के दलदल में मत जाना, लेकिन तुम्हारी कसम, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, जान दे दूंगी अपनी। मुझ पर भरोसा रखो आरती, तुम्हारी कसम, अपने खून का आखिरी कतरा बहाकर भी अपने बेटे को बचा कर लाऊंगा। बस शाका आता ही होगा दादा साहब, आपका काम यूं हुआ के हुआ, यूं समझ लो। राजा बाबू, बारूद का जाल बिछा दिया गया। वेरी गुड महेश, तुम शाका के बेटे को लेकर वहां जाओगे। शाका फाइल लेकर आएगा, अपने बेटे को लेगा, तुम फौरन वहां से भाग लेना। इधर एक्चुअली बारूद का बटन दबाएगा और उधर बाप बेटा दोनों के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। ये रही तेरी फाइल, मेरे बेटे को लाओ। महेश, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे साथ जी नहीं सकी शाका, तुम्हारे लिए मर तो सकती हूँ। Thank you.
आए लेकर ना यहाँ से भाग जा। तुम भी चलो पापा। नहीं बेटे, बहुत लोगों को रोकता हूँ, अगर ये फाइल उनके हाथ लग गई ना तो तुम्हारा पापा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है पापा। शंकर, ये मेरी सच्चाई की आखिरी जीत है। अब मेरे बेटे को कोई चोर का बेटा नहीं कहेगा ना? नहीं शंकर, तेरे बेटे को कोई चोर का बेटा नहीं कहेगा। तेरा बेटा तो देश के लिए जान कुर्बान कर देने वाले हैं। शहीद का बेटा कहलाएगा शंकर, चोर का बेटा नहीं कहलाएगा। अपनी बात निभाता